गाइस स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं हूं साबिर और आप देख रहे हैं एसेंस डेली मीडिया। सो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एमआई के बियर्ड ट्रिमर का, ओके, जो कि मैंने अमेज़न से खरीदा। रिव्यू एंड रेटिंग्स देख के, रेटिंग्स 4 स्टार एवोव है एंड 45,000 रेटिंग्स है, तो यही सोच के मैंने खरीदा कि ट्रिमर काफ़ी अच्छा होगा। पर गाइस इसके पहले कि आप खरीदें ये वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको पता चल जाएगा कि उस ट्रिमर में क्या अच्छी बातें हैं और क्या खामियां हैं, किस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, मैं इस वीडियो में वैसे पूरा रिव्यू करूँगा, पूरा अनबॉक्सिंग करूँगा, आपको दिखाऊंगा प्रोडक्ट के साथ क्या क्या आता है एंड क्या खामियां हैं प्रोडक्ट में, क्या आपको लेना चाहिए प्रोडक्ट या नहीं लेना चाहिए। ओके, एंड प्राइस के हिसाब से क्या प्रोडक्ट सही है इतने प्राइस में। ओके, ये सब चीज़ जानेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो गाइज ये है वो प्रोडक्ट एमआई का बियर्ड ट्रिमर, जो कि IPX7 वॉशेबल बॉडी है, मतलब वाटरप्रूफ है, आप इसको ऊपर से वॉश कर सकते हैं। ओके, एंड एज पर जैसे कंपनी क्लेम करती है इसमें 40 लेंथ सेटिंग्स है। ओके, एंड 90 मिनट्स कॉर्डलेस यूज हो सकता है, मतलब एक फुल चार्ज में ये 90 मिनट्स चलेगा। ओके, तो टाइमिंग काफ़ी अच्छा है, इतना बैटरी बैकअप ज़्यादातर ट्रिमर्स नहीं देती। ओके, एंड इसमें जो ब्लेड है वो सेल्फ शार्पनिंग है। ओके, जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही ब्लेड शार्प होगा, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड प्रोडक्ट्स के पीछे डिटेल्स हैं एंड MRP है गाइस 1799। ओके, पर आपको ये किसी भी वेबसाइट पे अबाउट 1400 में मिल जाएगा। ओके, एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट आप देख सकते हो एंड कंट्री ओरिजिन चाइना, मेड इन चाइना। ओके, एंड चलो अभी इसका अनबॉक्सिंग करते हैं हम लोग। ओके ओके, सो गाइस अंदर भी एक और बॉक्स है, बॉक्स पैकेजिंग है। ओके, इसे ओपन करते हैं। सो गाइज ये तीन साइड से ये बॉक्स खुलता है। ओके, और ये है अंदर प्रोडक्ट। इसमें एक बैग है, ओके, जो काफ़ी अच्छा है, मटेरियल अच्छा है, कैरी करने के लिए एक बैग है वो भी MI के ब्रांडिंग के साथ। एंड देन ये कॉम्ब एंड ये चार्जिंग केबल। ओके, एंड वन ब्रश और ये है वो ट्रिमर। तो मुझे पैकेजिंग तो पहले बहुत ही अच्छा लगा, अंदर भी बॉक्स है। ओके, पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये है वो ट्रिमर। जैसा कि कंपनी क्लेम करती है ये वाटरप्रूफ भी है। ओके, तो हम लोग इसे वॉश कर सकते हैं। इसमें दो कॉम्ब है, क्यों? क्योंकि कंपनी ने क्लेम किया 40 लेंथ सेटिंग्स है। ओके, तो शायद एक में 20 और एक में 20 है। ये साइज इस कॉम्ब के साइज से बड़ा है, आप देख सकते हो, ये कॉम्ब साइज छोटा है, ये कॉम्ब साइज बड़ा है। ओके, इसे एक बार निकाल कर देखते हैं। और हाँ, इधर पहले तो एक व्हील है जो कि लेंथ एडजस्ट करने के लिए, ओके, कॉम का लेंथ एडजस्ट करने के लिए है। इसमें 10 लेंथ सेटिंग्स है। ओके, 0.5 देन 1 देन 1.5 देन 2 देन 2.5 ऐसे करके 0.5 बढ़ते बढ़ते है। ओके, 10 लेंथ सेटिंग्स है इसमें। इसको आप यहां से निकाल सकते हैं। ओके, इसको आप यहां से निकाल सकते हैं। ये कॉम के साइज में काफी डिफरेंस है, आप देख सकते हो, एक कॉम काफी छोटा है, एक कॉम काफी बड़ा है। ओके, एंड इधर में पावर बटन है गाइस ऑन ऑफ करने के लिए। ओके, आप एक क्लिक में ऑन हो जाएगा और एक क्लिक में ऑफ हो जाएगा। जब ऑन होगा तो आपको यहाँ इंडिकेटर है। ओके, और ये चार्ज इंडिकेटर है गाइस, कितना चार्ज है। इधर में 3 लाइट्स है। ओके, 3 लाइट्स है पर इसमें अभी 2 ही ऑन हो रहा है, मतलब ये मीडियम चार्ज है। और ये चार्ज इंडिकेटर है नीचे में। ओके, एंड प्रोडक्ट आप देख सकते हो, प्रोडक्ट का डायमेंशन मैं अभी आपको दे दूंगा, लेंथ विड्थ कितना है। ओके, एंड गाइस इसके अंदर मोटर आप देख सकते हो, मोटर काफी अच्छा क्वालिटी का लग रहा है। ओके, ऑब्वियसली 90 मिनट चलता है तो बैटरी भी काफी अच्छा है एंड मोटर भी काफी अच्छा है गाइस। ओके, तो मैं आपको इसका पर्सनल रिव्यू भी दूंगा। इस बॉक्स में वैसे इतना ही कुछ है, आप देख सकते हैं, 2 कॉम, एक चार्जिंग केबल, एक ब्रश एंड द ट्रिमर। ट्रिमर का डायमेंशंस अभी मैं आपको देता हूं, इसका लेंथ ब्रेथ कितना है। ओके, देख लें आप प्रोडक्ट हाथ में लेने से कितना बड़ा दिखता है। ये एवरेज ट्रिमर
आपके साइज का है, पर डिजाइन की वजह से ये आपको छोटा दिखेगा, ओके, पर एवरेज ट्रिमर के साइज का है, ओके। एंड यूज करने में मैं अभी पर्सनल रिव्यू दूंगा, मुझे यूज करके कैसा लगा, यूज करने में कैसा था, कितना फाइन काटता है, ओके, एंड क्या होल्ड करने में कंफर्टेबल है कि नहीं है, ओके, मैं ये सभी आपको अभी बताऊंगा, ओके। इस प्रोडक्ट के साथ एक कैरिंग केस, दो कॉम्ब और ये खुद ट्रिमर एंड चार्जिंग केबल एंड ब्रश आते हैं, ओके। एंड गाइस, इस ट्रिमर की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये एक तो 90 मिनट्स का बैटरी बैकअप देता है। ज्यादातर ट्रिमर्स, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ट्रिमर्स, इतना बैटरी बैकअप नहीं देते हैं, ओके। अब फुल चार्ज करो तो ये 90 मिनट चलेगा कॉर्डलेस, ओके। एंड दूसरी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इस ट्रिमर की, वो ये है कि ये IPX7 वाटर प्रूफ है, तो मतलब आप हल्का फुल्का ऐसे धो दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वाटर प्रूफ है, ओके, काम करेगा। पर गाइस, मुझे इसकी सबसे दो बड़ी खामियां लगी, ओके, सबसे बड़ी दो खामियां लगी वो ये है कि, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि ये आपको यूज करने में काफी अनकंफर्टेबल है, ओके। आप जब यूज कर रहे होते हो तो आपको होल्ड करने में दिक्कत होता है, आपका हाथ जो थंब है वो इस पर आएगा या फिर इस पर आएगा, तो कि दबने का डर रहता है, ओके, बार बार ऑफ हो जाएगा, बार बार ऑन हो जाएगा, ओके। एंड अगेन, बार बार आप अगर कोई और साइज पे काट रहे हो एंड बाई चांस घूम गया तो फिर पूरा खराब, पूरा काटना पड़ेगा उस साइज से, ओके, यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है, ओके। एंड दूसरा चीज कि आप काटते हो जब तो आपको पता नहीं चलता वो कहाँ काट रहा है, ये देखो काट यहाँ रहा है पर कॉम्ब यहाँ तक है, कॉम्ब ज्यादा बड़ा है तो आपको अच्छे से पता नहीं चल पाता है ये कहाँ काट रहा है और कितना काट रहा है, ओके, कितना काट रहा है और कहाँ काट रहा है आपको अच्छे से पता नहीं चलता डिजाइन की वजह से, ओके। इसका कॉम्ब ज्यादा बड़ा है, कॉम्ब आप देखो थोड़ा सा प्रेस करने से कॉम्ब आगे दब जा रहा है, आप देखो हल्का प्रेस करने से कॉम्ब दब जा रहा है, ठीक है, जो कि अगर आप हल्का प्रेस करके काट रहे हो तो कॉम दब जाएगा, तो भी कहीं ज्यादा और कहीं कम कट सकता है, ठीक है, इसलिए मुझे इसका डिजाइन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ठीक है। एंड गाइस, जितना की कंपनी क्लेम कर रही है 0.5 साइज, ये उतना नहीं काट रहा है, 0.5 तक नहीं काट रहा है, क्यों, मैंने रिमूव करके काटा, पर इसके पहले जो मेरा एक ट्रिमर था जो कि 0.5 काटता था, उसमें और इसमें काफी डिफरेंस है, उसका 0.5 बहुत छोटा है, इसका 0.5 उससे बड़ा है, ठीक है, उतना फाइन नहीं काट पा रहा है ये, जैसे कंपनी क्लेम कर रही है उतना फाइन नहीं काटता, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आप ऐसे चाहते हो ट्रिमर जो एकदम फाइन काटे और आपको पता चले ना गाइस कि आप कहाँ काट रहे हो, आप अगर इधर से हल्का ज्यादा काटे तो इधर मिला के काटना होता है, काफी लोगों को, काफी लोग एक ही साइज में नहीं काटते, वो अलग अलग साइज में मिला के काटते हैं, तो उनके लिए गाइस ये ट्रिमर नहीं है, उससे अच्छा कोई आप अच्छी कंपनी का खरीद लो, इतने ही प्राइस में आपको अच्छा कंपनी का मिल जाएगा, ओके। इसका MRP 1799 है, जो कि आपको वैसे भी किसी वेबसाइट पे 1400 में मिल जाएगा, पर उतने प्राइस में भी मुझे नहीं लगता ये ट्रिमर कुछ खास है, ठीक है, खाली बैटरी बैकअप और वाटर प्रूफ होने की वजह से आप बोल सकते हो, बाकी इस ट्रिमर में और कुछ नहीं है, ओके, और कुछ खास बात नहीं है, आप उससे अच्छा फिलिप्स का कोई ट्रिमर ले सकते हैं, ओके। एंड गाइस, इसका एक और चीज ये है कि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ओके, इसका बॉडी गर्म नहीं होता पर इसका हेड गर्म हो जाता है, ओके, इसका हेड गर्म हो जाता है जो कि काफी अनकंफर्टेबल लग रहा होता है यूज करते समय, इसका हेड गर्म हो जाता है, तो आप जब काट रहे होते हो तो ये गर्म होने की वजह से काफी अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ये प्रोडक्ट, आप इस प्रोडक्ट को मत लो, और वो भी 1400 में गाइस, इससे अच्छा कोई आप हल्का और पैसे लगाओ, किसी अच्छे ब्रांड का ले लो, चाइनीज प्रोडक्ट का यही होता है, आप किसी अच्छे ब्रांड का ट्रिमर ले लो, MI मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, वो भी ये वाला मॉडल, ठीक है, इसके शेप की वजह से, इसके डिजाइन की वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा, ओके। आई होप अगर आप मूड बना रहे थे खरीदने के लिए तो आपको पता चला आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए क्योंकि प्राइसिंग हाई है और उस प्राइसिंग में प्रोडक्ट कुछ खास नहीं है, ओके, तो अब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये प्रोडक्ट, फिर भी अगर आपकी मर्जी है लेना तो आप ले सकते हो, उसमें मुझे कुछ नहीं बोलना, ओके। एंड गाइज, आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा कि आपको लेना चाहिए प्रोडक्ट या नहीं लेना चाहिए। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, मैं इस चैनल पे रिव्यूज एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं, ओके। आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप उसे कमेंट में जरूर बताएं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आप अगर आपको इस वीडियो में कोई गलतियां लगी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके, एंड या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी नाम है साबिर फिट व्लॉग्स, सिमिलर टू द चैनल नेम, ओके। एंड गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ओके, बाय बाय।